أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزت دار आज के मेहमान खुसूसी आप जानते हैं हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन शमशादा शान जी इनके हमरा साथ भी आए हैं हमारे साथ अनवर साहब है ये हमारे साथ हमारे दाड़म के मेंबर वार्ड नंबर 6 के ग्राम सिंह साहब है हमारे यहाँ के जितने भी टीचर साहबान है मेरे साथी जो मेंबर साहबान है वजीर हजरत अस्सलाम वालेकुम आदाब वक्त की कमी है आपको पता है हमें लेट पहले ही हुआ है मुझे पता है कि आप सारे भूखे हैं तो सबसे पहले हम मुबारकबाद पेश करते हैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को और शमशादा शान जी को जिन्होंने पूरा ताउन दिया इन 5 सालों के अंदर जो हमारा रोड हमारा हॉट फैला इस रोड का नाम है अभी आपके सामने जो तत्तापानी से यहाँ तक पहुंचा है 7 किलोमीटर के करीब वो अभी तक अभी हो चुकी है अभी 8.30 है टोटल है तो मुझे उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर जो है पूरा जो है जितना भी है सर्वे हुआ है वहां तक हो जाएगा लेकिन इसके अलावा भी और भी आबादी जो है जो वार्ड नंबर 2 गंगारी है तकरीबन 2.5 किलोमीटर हम नॉलेज में बात करना चाहते हैं शमशादा शान जी को उसके लिए भी आप ये जहन में रखें अगर कहीं भी आपको मौका लगता है तो उसको आप उस प्लान में डालते हैं क्योंकि तो बाकी सभी साथियों का सभी लोगों का सभी बुजुर्गों का यहाँ के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों का साथ रहा तो यहाँ तक रोड पहुँचा क्योंकि आपकी जमीने गई आपके मकान गए आपका जायदाद किया वो हमें सब नजर आता है मैं गुजारिश करूंगा शमशादा शान जी से कि जिनकी जमीने गई है मालिक की जमीने उनको मुआवजा मिले न लगे और साथ में जो स्ट्रक्चर यानी जिनके मकान है अभी सामने आपने देखा कि ये मकान अब 2-4 दिन के बाद खुलने वाला बेचारा इतना ही होगा तो ये भी बेकार हो जाएगा उसका भी देखें कि फाइल उसकी प्रोसेस हो नहीं हो ये पूरा क्लियर होना देखा कि हमसे होना चाहिए इसीलिए हमने ये तो आज एक फंक्शन रखा कि हमने दावत दी थी एक्शन साहब को भी एडवर साहब को भी लेकिन बदकिस्मती से वो पहुंच नहीं पाए मैं अभी तक घोट बैठा है एसडीएम साहब को भी बताया वो भी नहीं आए कोई भी नहीं आए लेकिन हम इसलिए आपको मदद कर रहे थे कि यहाँ पे जो नुकसान हुआ है और नुकसान होने वाला है उसको नाली में लेके और आप अपने इस डायरी में नोट भरेंगे और उनका पूरा साथ देंगे राजसभा अभी पंचायत की तो बात करेंगे पूरी पंचायत हमारी है तो शुक्र है अल्लाह का कि आज हम गाड़ी देखते हैं हमने ख्वाब में भी नहीं देखा था कि हमारे स्कूल के साथ में गाड़ी होगी ये अल्लाह का शुक्र है सबसे पहले और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का भी शमशादा शान का भी और भी मजीद हमारा सब सेंटर ये यहाँ और वो भी इंशाल्लाह उसके लिए हमने बिल्डिंग रखी है उसके लिए भी हम गुजारिश करेंगे कि जब वो तैयार हो जाएगा तो वहाँ स्टाफ होना चाहिए नहीं तो हम बिल्डिंग बना के रखेंगे उसको हमने उस बजट में रखा था उसमें ही हमने 10-12 लाख रुपया रखा था और भी मैं उम्मीद रखूंगा शमशादा शान जी से कि 1-2 कमरे ये भी अपनी फंड से उस पर रखेंगे और मजीद ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम यही दरखास्त करेंगे कि इस रोड के बारे में ही बात करेंगे 8 किलोमीटर पूरा होने के बाद हमें 3 किलोमीटर मजीद जरूरत है तो बाकी आपका वक्त लेते हुए वाटर टैंकी फ्रॉम कोली टंडल जी जी अच्छा वाटर टैंकी फ्रॉम मैडम जी एक दरखास्त आई है कि टनल में जो पानी अंदर से निकलता है उसको मतलब वहाँ एक होज बनाया जाए ताकि वो डमकी गागड़ एरिया को उसकी सप्लाई जाए क्योंकि वो उसको पूरा बंद करेंगे जब वो क्लोज कर देंगे वो पानी मिलेगा इसलिए अगर आज ही की डेट में उनको अवेयरनेस करेंगे ताकि वो जो है उसके लिए लाइन रखेंगे तो बाकी और भी हमारे सामने लोग बैठे हैं अगर कोई भी सवाल होंगे आप कर सकते हैं लेकिन आप शुरुआत पंचायत की इंशाल्लाह डेवलपमेंट की तरफ जा रही है इसके लिए आप लोगों को मुबारक है और साथ साथ जो हमारे मेहमान खुशी है उनको मुबारक है अस्सलाम वालेकुम आदाब